वेलकम बैक, मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। आइए जानते हैं क्या है आज विदेशों से मुख्य खबरें। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान सेना पर लगातार बढ़ रहे हमले के बीच पाक आर्मी ने BLA के विद्रोहियों को मार गिराया है। दरअसल पाकिस्तान सेना का दावा है कि उन्होंने पाक आर्मी के कैंप पर हमला करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के 20 विद्रोहियों को मार दिया है। इस ऑपरेशन को उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप का नाम दिया है। हालांकि इसमें पाकिस्तानी सेना के 9 सैनिकों की भी मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में शनिवार देर रात 5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। दरअसल 4 दिन पहले ये बच्चा यहाँ के शेफ चोइन शहर के 100 फीट गहरे कुएं में गिर गया था। उसके बाद ही शनिवार रात तक चले करीब 100 घंटे के एक लंबे ऑपरेशन के बाद बच्चे को बचाव दल ने बाहर निकाल दिया। रियान नाम के बच्चे के सिर में चोट आ गई थी। कुएं से निकाल जाने के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS बहुत मायने रखता है। इस अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों का दूसरा घर भी कहा जाता है, पर बहुत जल्द इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। दरअसल अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA इसे पृथ्वी से क्रैश करवाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, साल 2030 के अंत में रिटायर होने के बाद जनवरी 2021 में इसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। सीरिया जेल में कैद अपने साथियों को छुड़वाने के लिए ISIS हमले में हार गया है। दरअसल इस हमले के बाद 10 तक चली जंग में SDF के 121 इस्लामिक स्टेट के 374 संदिग्ध सदस्य और 4 नागरिक मारे गए हैं। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने एक ट्रक में बम विस्फोट के साथ अपने सबसे निर्म हमले की घोषणा की थी। आतंकियों ने अपने साथियों को सीरियाई जेल से छुड़वाने के लिए उसकी बाहरी दीवार को विस्फोट कर दिया, जिससे यहां के कैद हजारों आतंकी भागने में सफल हो गए। आइए जानते हैं क्या है दुनिया भर में COVID-19 अपडेट्स। दुनिया में बीते दिन 22.23 लाख नए COVID-19 संक्रमित केस मिले हैं। आपको बता दें, इनमें 20.59 लाख लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 8,326 लोगों की मौत हो गई है। नए संक्रमितों के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर है, यहाँ 2.14 लाख नए केस है। वहीं रूस दूसरे नंबर पर है और जर्मनी का नंबर तीसरा है।